हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्वींस वे बुटीक चैनल। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ब्लाउज को आयरन मारने का तरीका। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लाउज के साइड से। देखिए, इसका जो नीचे का मार्जिन है हमारा राइट साइड में है। एक बार इस तरह से आयरन मारते हैं, फिर ब्लाउज को उठाकर वो मार्जिन जो है लेफ्ट साइड कर दें। फिर एक बार जो है फिर से आयरन मारते हैं इसको। उसके बाद जो इस फ्रंट डॉट पर अच्छे से आयरन मार लें नीट से। हाँ, और एक बात है कि इसको याद रखें, इसको ये आगे बिल्कुल भी आगे ना ले जाएं आयरन। जितना हमारा डॉट है उतना ही मारें। इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड कर करके इस डॉट को, बड़ा वाला डॉट जो है इसको, और आगे वाला जो इस बड़े डॉट को और ये आगे वाला जो डॉट है ये डॉट को, दोनों को मारें आयरन अच्छे से। उसके बाद ये देखिए हमारे जो डॉट कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा डॉट यहाँ से यहाँ तक आयरन मार दें। ये हमारा फ्रंट पार्ट नीचे की सेट कंप्लीट हो चुका है। अब ये नेक की सेट, इस नेक को नीट से अच्छे से यहाँ से आयरन मार दें। फ्रंट रेडी हो चुका है। उसके बाद हैंड्स, इसको स्ट्रेट पकड़ें, यहाँ से स्ट्रेट लिंक करके अच्छे से नीट से आयरन मार दें पूरा। ये हमारा फ्रंट रेडी है। बैक साइड में हैंड्स को सिर्फ मारें अभी। मार्जिन जो भी है हैंड्स की तरफ रहेगा हमारा। ये राइट साइड हमारा कंप्लीट। तो लेफ्ट साइड में भी हमें सेम उसी तरह से करना है जैसे कि हमने पहले वाले साइड में करा था। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक्स पर मैं वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। देखिए, अच्छे से इस डॉट को भी यहाँ से अच्छे से नीट से फोल्ड कर ले। देखिए, ब्लाउज का फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छा लगता है आयरन मारने के बाद। तीन डॉट कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, और एक बात, जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा लें। उससे ये होता है कि आप जब भी हम कोई नई वीडियो डालते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखिए, हैंड्स हमारा जो है ये फ्रंट और बैक में मारने के बाद कंप्लीट है। ये हमारा फ्रंट और हैंड्स रेडी हो गए हैं। अब बारी है बैक की। बैक को सबसे पहले जो है अंदर से मारे आयरन, ऐसे नेक को स्ट्रेट रख करके अंदर से मारे आयरन। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी को यूज़ होगा तो ज़रूर शेयर करें। देखिए, अंदर से इस तरह से अच्छे से नीट से नेक को आयरन मार ले। ऊपर की तरफ भी, लेफ्ट राइट दो साइड भी। उसके बाद जो है हम इसको पलट देंगे, ऊपर की तरफ से मारेंगे आयरन इस तरह से नेक को स्ट्रेट पकड़ करके। तो दोस्तों, बैक हो चुका है कंप्लीट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है फिर से हमको एक बार मारना पड़ेगा।
ये चीज़ याद रखिएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अगर ऐसे मार लें, अगर ऐसा नहीं सही हो रहा हो तो इसके लिए ऐसा कुछ, कोई तकिया वगैरह कुछ हो आपके पास तो उसको पकड़े, ऐसे रख करके ये शोल्डर और हैंड का जो जॉइंट है करेक्ट सेंटर में रख करके ऊपर से अच्छे से आयरन मार दे उसको, इससे जो है छोटा सा जो भी फ्रिल्स आएगा वो अब नहीं होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए दोस्तों ब्लाउज कितना अच्छा लग रहा है। देखिए जब भी आप ब्लाउज बनाओगे, ब्लाउज जितना भी अच्छा बनाओ, लेकिन आयरन की फिनिशिंग अगर आप सही से फिनिश नहीं करोगे आयरन को, तो ब्लाउज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।